आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो आपके पूरे करियर में सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था सी चैलेंजिंग तो 90 वाज वेरी चैलेंजिंग 90 मैं मैं यंग एसपी था बडगाम का बडगाम इज वन डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर जहां एयरपोर्ट आती श्रीनगर एयरपोर्ट आप तो लैंड किए होंगे दैट इज अ बडगाम डिस्ट्रिक्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड नाइन्टीज़ में हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे वी हैड वेरी टफ़ टाइम उस वक़्त कई बार लगता था कि कश्मीर गया एंड सम ऑफ ऑफिसर्स चाहे वो सिविल सर्विस के थे या पुलिस के थे दोज वू हेल्ड ऑन एंड कैप्ट इंडियन फ्लैग हाई आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट सर्विस बिकॉज उस वक़्त सिविल अनरेस्ट था आपके घर डॉक्टर नहीं आता था इफ यू नीड अ डॉक्टर हॉस्पिटल वर ऑक्यूपाइड बाय टेररिस्ट वहाँ के जो मे बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वहाँ आप जा नहीं सकते थे बिकॉज देवर ऑल ऑक्यूपाइड बैटर थे इतनी बुरी हालत थी आपको गाड़ी ख़राब हो जाए तो हड़ताल ही होती रहती थी दस दस दिन हड़ताल आप अपनी गाड़ी नहीं ठीक करवा सकते ना टोटल इट वॉज कोलेप्स ऑफ द सिस्टम सिविल सिस्टम ही कम्प्लीटली कोलेप्स कर गया था आपके गवर्नमेंट एम्प्लाइज आते ही नहीं थे ऑफिसज़ में नहीं आते इनफैक्ट आई रिमेंबर मैं समझता हूँ तीन बहुत डिसीजन थे जिसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट कश्मीर की सिचुएशन पे रहा ये मेरा मानना है एक आपको मैं बताऊँ जो पहला बैच ऑपरेशन पैक के अंडर कश्मीर से लिया गया सत्तर लोगों का जिनको ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई हथियार दिए गए और यहाँ पुश किया गया उसमें मैक्सिमम लोगों को जेएनके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लेकिन आई डोंट नो कौन गवर्नमेंट थी शायद राजीव गांधी गवर्नमेंट थी दिल्ली में और स्टेट में ए, एनसी की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उनकी क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थी आई डोंट नो दैट आई दैट पार्ट आई डोंट नो बट उनको छोड़ देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक नेगेटिव डिसीन था और उसका इम्पैक्ट कश्मीर की सिचुएशन बिकॉज वही लोग मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड बने चाहे उसमें यासीन मलिक था या बाकी लोग थे बहुत सारे उनके नाम लेना ज़रूरी नहीं तो डैट वॉज हाउ कैन स्टेट गवर्नमेंट की कंपल्शन हो सकती हैं पॉलिटिकल सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ कुड दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ दिस डिसीजन विच एफेक्टेड योर होल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री तो उनको बजाय सख्ती से डील करने के बजाय आपने छोड़ दिया आपके खिलाफ कंट्री को बर तोड़ने के लिए वो आए थे बर, बवाल मचाने के लिए आए थे और आपने कैसे उनको छोड़ दिया तो दैट वाज वन दूसरा था रूबिया सैयद जो मुफ्ती सैयद हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो उस वक्त यूनियन होम मिनिस्टर थे उनकी बिटिया का किडनैप जो वहाँ एमबीबीएस कर रही थी उसका किडनैपिंग हुआ जो कश्मीरी हिस्ट्री में वाटर शेड मोवमेंट मांगा यस yes. कि उस किडनैपिंग के बाद बहुत कुछ हुआ यस उसमें ऐसा देखिए उस आ, उसके जो रुबैया सैद को किडनैप किया गया उसका आज वो केस भी चल रहा है जिसमें यासीन मलिक को सजा भी हुई उसको आइडेंटिफाई भी किया रुबैया सैद ने कोर्ट में तो उसको यासीन जो यासीन मलिक था इसका ही ग्रुप था तो उसमें ये पांच लोगों को छोड़ा गया जो टॉप टेररिस्ट थे उस वक़्त के कब की बात है ये नाइन्टी की बात है नाइन्टी नाइन्टी की तो उसका क्या हुआ आई वॉज यंग एस पी एट दैट टाइम उससे एक ऐसा एक फीलिंग कश्मीर में गया कि माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इसके फादर मुफ्ती सैयद यूनियन होम मिनिस्टर थे कंट्री के होम मिनिस्टर थे और उनकी बेटी को छुड़ाने के लिए पांच टेररिस्टों को छोड़ा गया तो एक एक ऐसा मैसेज गया कि माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ब्रॉड डाउन ऑन इट्स नीज बाय हैंडफुल ऑफ़ यूथ ऑफ कश्मीर जो जिनके पास गन थी तो वो जो उससे फिर ये बुरा भड़क गया तो मैं समझता हूँ वो भी एक वाटर शेड थी एक पहला ये सत्तर लोगों को या जितने भी वो नंबर था उनको छोड़ना दूसरा ये एंड थर्ड यू नो फाइव सीनियर गवर्नमेंट इंप्लाईज ऑफ जे एंड के कश्मीर हुमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर अलेस्ड एंटी गवर्नमेंट या एंटी नेशनल एक्टिविटीज उनकी सपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट ऑन स्ट्राइक दिस इज़ ऑल्सो सम नाइन्टीज़ उस पर शायद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के कोलिशन गवर्नमेंट थी एंड तीन महीने से स्ट्राइक चलती मैं डिस्ट्रिक्ट एस था बड़गाम का थ्री मंथ से सैलरी नहीं मिली किसी को लोग इतने इम्प्लाईज़ इतने तंग पड़ गए थे कि जनाब हमको बिकॉज विदाउट सैलरी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉ को सैलरी नहीं मिले तो सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाता है तो बहुत सारे लोग आके हमको खुशामद कर रहे थे कि आप गवर्नमेंट को कहो उन दिनों जे के में गवर्नर रूल था शायद आ, ये थे जगमोहन गवर्नर थे तो हम फीडबैक दे रहे थे कि इम्प्लाइज टूटने वाले हैं आप जस्ट होल्ड ऑन बट सडनली वन डे वी हेयर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स ऑल देयर डिमांड्स एंड उससे वो बड़ा एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले हीरो बन गए मैं समझता हूँ ये तीन ऐसे डिसीजन है विच हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस सिचुएशन एंडलीटेड दिशन सो बाई दैड इम्पैक्ट ऑन दिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर वैली वॉट शुड है स्ट्राइक टूटने वाली थी तीन महीने में, में सैलरी नहीं मिलने के बाद इनकी हालत खराब थी और वो लोग डिसमिस रहते और उनको डिसमिस ही रहना चाहिए था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के ही नहीं पूरे देश के खिलाफ गद्दारी की थी और दूसरा जो सेवेंटी लोग थे जो जो उसमें जो भी नंबर था जो इनिशियल बैच था उस उनके खिलाफ उनकी कन्विक्शन होनी चाहिए थी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी बजाय उनको छोड़ के हीरो बनाने के और रुबैया सैद वाला जो टैरिस्ट को आई थिंक जराइल वाली पॉलिसी के नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजिंग टेररिस्ट इन एक्सचेंज आई थिंक दैट शुड हैव बिन टफ स्टांस शुड हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ